नमस्कार, एमएन इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी प्रॉब्लम ऑफ रूफी शोध ग्रंथ लिखा था। 1923 में लंदन की विख्यात पब्लिशिंग कंपनी पीएस किंग एंड सन्स ने इसे प्रकाशित किया था। इस शोध प्रबंध के लिए उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से डीएससी और पीएचडी की डिग्री देकर सम्मानित किया गया था। इस शोध ग्रंथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्या लिख दिया था जो भारत में अब सच साबित हो रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है, भारत का आर्थिक विकास दर गिरते जा रहा है, भारत का आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी अब माइनस पर चली गई है, रिजर्व बैंक मुद्रा की स्थिरता को कायम रखने में असफल हो गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चलन के मूल्यों में बड़े पैमाने पर हुए बदलाव के कारण मुद्रा की स्थिरता कायम रहने पाई। उन्होंने जो कहा आज भी उतना ही सच साबित हो रहा है। वो इस ग्रंथ में कहते हैं कि भारत के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर ऋतुकाल का इतना ज्यादा प्रभाव गिरा है, अर्थशास्त्र के सारे नियम यहां झूठे साबित होते हैं। जैसे कि बाजार में ज्यादा डिमांड के समय बिक्री मूल्य में दिए जाने वाली छूट कम करने के बजाय बढ़ाई जाती है, इसके विपरीत डिमांड कम के समय वस्तु मूल्य में अधिक छूट देने के बजाय कम कर दी जाती है। इस तरह की भिन्नता को संभालने के लिए 1934 में रिजर्व बैंक का निर्माण किया गया, लेकिन यह भी मुद्रा की स्थिरता कायम रखने में असफल रह गई। इस परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए भारत की मुद्रा व्यवस्था के बारे में 1923 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, इस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा था आज भी सच साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं मुक्त नायक इंडिया टीवी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।